गुड मॉर्निंग डे एवरीवन। बेटा आपको हीरोन्स फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। 12.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू ऑफ इट्स साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड द 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का एरिया आपने निकालना है बेटा, जिसकी दो साइड आपको दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है। दो साइड आपको दी गई है, एक है 18 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर। और बेटा पैरामीटर आपको दिया गया है, पैरामीटर आपको दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो बेटा जब आपको दो साइड दी गई है ना और पैरामीटर दिया गया है, तो आप तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो थर्ड साइड है बेटा, वो इक्वल हो जाएगी पैरामीटर में से, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 28 माइनस हो जाएगा, दैट मींस थर्ड जो साइड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। और एक ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं, तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ उसमें कह रहा था साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो। एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दिया गया है। रेशियो है बेटा 12:17:25। ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो आपको दिया गया है और इसका पैरामीटर दिया गया है। पैरामीटर दिया गया बेटा 540। पैरामीटर आपको दिया गया है 540 सेंटीमीटर। साइड्स का रेशियो दिया गया है और पैरामीटर आपको दिया गया है। तो बेटा आप यहां से सबसे पहले तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसको हम मान लेते हैं भाई, ये 12x है, ये 17x है और ये 25x है। इन सभी को प्लस करके किसके इक्वल लिखेंगे भाई, 540 के। ऐड करते हैं 12 और 17, 29 प्लस 25, ये हो गया 54x इज इक्वल्स टू 540। और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आ गई तो फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, 120। सेकंड कितनी हो जाएगी, 170। और थर्ड कितनी हो जाएगी, 250। भाई एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो तीनों साइड्स आ जाएंगी। और बेटा ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर आपको दे रखी है ना, तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था, क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें कह रहा है एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल हैज द पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल, अभी आइसोस्केल्स ट्राइंगल आपको पता है दो साइड इक्वल होती है, हमने मान लिया ये दोनों साइड इक्वल है। इसका पैरामीटर दिया गया है आपको 30 सेंटीमीटर। पैरामीटर दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर और ये कह रहा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड जो है ना वो 12 है, ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगी। बेटा दो साइड आपके पास 12 और 12 होगी, पैरामीटर 30 है, तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। भाई 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24। और 24 है, पैरामीटर 30 है, तो तीसरी साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और एक ट्राइंगल की बेटा तीनों साइड्स आपके पास आ गई, तो यहां से आप इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हीरोज फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। सोल्व करके देखना ट्राइंगल को।